सोशल मीडिया एक ऐसा मंच है जो किसी को भी रातों रात सुर्खियों में ले आए और स्टार बना दे। हाल ही में रानू मंडल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जो कुछ दिनों पहले लता मंगेशकर के गाने एक प्यार का नगमा है को लेकर चर्चा में आई और उनका यह गाना वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। लेकिन गायिका लता मंगेशकर ने रानू मंडल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें ओरिजिनल बनने की नसीहत दे डाली। जबकि आज तक हजारों लाखों लोगों ने लता मंगेशकर के गाने गाए हैं, लेकिन लता जी ने पहले कभी भी नसीहत नहीं दी। शायद रानू मंडल को लता जी ने इसलिए कहा क्योंकि वह एक ट्रेन में गाना गाने वाली गायिका हैं। हाल ही में हिमेश रेशमिया की फिल्म हैप्पी हार्डी एंड हीर का पहला गाना तेरी मेरी कहानी रिलीज हुआ है। इस गाने को रानू मंडल ने गाया है। रानू मंडल ने सॉन्ग लॉन्च के दौरान कई सवालों के जवाब दिए। इस दौरान हिमेश और रानू ने लता मंगेशकर की नकल ना करने की सलाह पर भी अपना रिएक्शन दिया। लता मंगेशकर ने कहा था, अगर किसी को उनके नाम या काम से फायदा होता है तो उनके लिए बहुत खुशी की बात है, लेकिन उन्होंने नवोदित गायकों को ओरिजिनल रहने की सलाह दी थी। लता मंगेशकर के इस स्टेटमेंट पर हिमेश ने कहा, लता जी के इस बयान को पॉजिटिव तरीके से लिया जाना चाहिए। हर कोई किसी न किसी से इंस्पायर होता है, लेकिन कोई भी लता जी जैसा नहीं बन सकता, वो बेस्ट है। लता जी का बयान आपको इंस्पायर कर सकता है, ये अच्छी बात है। किसी को इंस्पायर होने में और किसी को कॉपी करने में फर्क होता है। आज अगर कोई अरिजीत सिंह जैसा गाता है तो वो उसकी कॉपी नहीं करता बल्कि उससे इंस्पायर होता है। रानू मंडल पैदाइशी टैलेंटेड है। रानू ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि वो बचपन से ही लता जी के गाने गाती आई है। लता जी का ये गाना उनको पसंदीदा है। सभी उनसे कहते थे कि वह लता जी जैसा गा सकती है। वह खुद को बहुत भाग्यशाली समझती है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।